यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बड़ी खबर के साथ चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हिमाचल बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक होने वाली है। तो ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर हिमाचल बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक होने वाली है और मिशन 2019 की तैयारियों को लेकर ये बैठक होगी। बीजेपी कार्यालय की में ये बैठक होने वाली है। तो मिशन 2019 की तैयारियों को लेकर ये बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर के मिशन 2019 की तैयारियों को लेकर ये बैठक की जा रही है। बैठक में सरकार और पार्टी के समन्वय पर भी चर्चा हो सकती है और हिमाचल में निगम बोर्डों आदि सदस्यों की नियुक्ति पर भी बात हो सकती है। तो पार्टी में सभी बड़े नेता इसमें हिस्सा लेंगे। तो ये बैठक होने वाली है चंडीगढ़ में, जहां पर सीएम जयराम ठाकुर, पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और भी कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक होने वाली है और आगामी 2019 के चुनावों को लेकर ये बैठक होगी और इसमें चर्चा की जाएगी कि किस तरह की रणनीति बनाई जाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उमेश शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, आज बैठक होने वाली है और कहीं ना कहीं 2019 के चुनावों को लेकर इसमें चर्चा हो सकती है, रणनीति बनाई जा सकती है। जी, भाजपा एक्शन मोड में आ गई है। 2019 के जो चुनाव होने उसके लिए भी तैयारियां शुरू कर दी है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये बैठक बुलाई गई है। इसमें तमाम प्रदेश के बड़े नेता, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार, प्रदेश अध्यक्ष सत्यपाल सिंह सत्ती, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और तमाम जो दूसरे कोर कमेटी के सदस्य वो भाग ले रहे हैं और आगे चुनाव की रणनीति कैसे बनेगी, चुनाव के लिए किस तरह से संगठन और सरकार के बीच में तालमेल बनाया जाएगा, फ्रंटल संगठनों को क्या जिम्मेदारी दी गई, फ्रंटल संगठन कैसे काम करेंगे, इन तमाम चीजों की समीक्षा की जाएगी, बैठक की जाएगी। सरकार का काम काज कैसा चल रहा है इसको भी, इस पर भी फीडबैक लिया जाएगा और उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं इन पे भी चर्चा होगी। प्रदेश में जो कई बोर्ड और कॉर्पोरेशन के जो पद खाली है, जिसमें की पॉलिटिकल नियुक्ति जोन ही है, डायरेक्टर्स और चेयरमैन लगाए जाने, उस पर भी बात करने की संभावना, उस पर भी चर्चा हो सकती है। फिलहाल ये फोकस 2019 के लोकसभा चुनाव को लेके है, तो उसको लेकर तैयारियां शुरू होगी, उसको लेके आज चंडीगढ़ में ये बैठक बुलाई गई है और संगठन सरकार किस तरह से मिलकर इन चुनाव के लिए अपनी तैयारी कर सकता है, उसको लेके ये तमाम चीजें इसमें आज डिस्कस की जानी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया महेश शर्मा तमाम जानकारी के लिए। तो इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। हिमाचल में निगम बोर्ड आदि की नियुक्ति के बारे में भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि बीजेपी सरकार को बने 4 महीने हो गए हैं लेकिन अभी तक भी कई पद खाली पड़े हैं निगम बोर्ड में, जिसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। तो आज आपको बता दें कि चंडीगढ़ में हिमाचल बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक होगी और मुख्य एजेंडा जो रहने वाला है वो यही रहेगा कि लोकसभा के जो चुनाव आने वाले हैं 2019 के चुनावों को लेकर के यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। और इस पूरी बैठक में बड़े बड़े नेता बीजेपी के इसमें शामिल होने वाले हैं। खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो हैं इसमें शामिल होने वाले हैं और इसके अलावा भी और भी बड़े नेता इसमें मौजूद रह सकते हैं।